हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शन क्लासी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्लासी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एवरी वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली आयरन फ्लाई का हम बैक टेस्ट करते हैं। सो आज हम बैंक निफ्टी में वीकली आयरन फ्लाई का बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते थे और क्या प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखने के लिए मिल सकता था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए चलते हमारे सिम्युलेटर पर। सो फ्रेंड्स, हम थर्सडे को 320 के करीब आयरन फ्लैग को क्रिएट करेंगे और जो हमारा आयरन फ्लैग रहेगा वो है बैंक निफ्टी में और एक्सपायरी रहेगी हमारी 8 दिसंबर की, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुई थी हमारी एक्सपायरी। जो स्पॉट था उस टाइम पे 43,251, सो हम 43,300 पर हमारा आयरन फ्लैग को क्रिएट करेंगे। सो चलिए, 43,300 का कॉल एंड पुट को हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है 291 एंड 301, सो नियर अबाउट 600 का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। सो हम 600 पॉइंट्स अपसाइड में 43,900 के कॉल को बाय कर लेंगे एंड डाउन साइड में 42,700 के पुट को बाय कर लेंगे। तो ये हमारा आयरन फ्लैग कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 10,000, मैक्सिमम लॉस है वो है 4,800 का, मार्जिन यूज़ हो रहा है नियर अबाउट 64,000 का, ठीक है। इसमें हमारा जो टोटल कैपिटल रहेगा वो है 2.5 लाख विथ एक्स्ट्रा सेलिंग एंड विथ ऑल एडजस्टमेंट। सो हम 2.5 लाख के कैपिटल के हिसाब से 1% का टारगेट रखेंगे वीकली बेसिस पर। सो हमारा जो टारगेट रहेगा वो है 2,500 का। जब हमें स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखेगा तो हम ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जब तक हमारे ये ब्रेक इवन ब्रीच नहीं होते तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, या तो फिर डे एंड पे हम देखेंगे। सो चलिए हाफ एन ओवर से आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है 43,000 के पास में। हमारा जो लोअर ब्रेक इवन है वो है 42,893 पे। सो देखते हैं हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होता है कि नहीं। सो अभी तक तो हमारा ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है, मार्केट 900 से पहले ही रिवर्स हो गया है और फिर से 43,000 के ऊपर है। सो अभी हम 320 के करीब एक बार देख लेंगे कि मार्केट कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। सो 320 के करीब अब देखिए मार्केट है 43,100 के पास में। हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो है नियर अबाउट 500 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, 20% के हिसाब से हम देखते हैं पुट साइड में हमें मौका मिल रहा होगा, सॉरी कॉल साइड में। सो यहाँ पर देखिए 45 प्रीमियम है 43,900 का। सो वहाँ से अपसाइड में हम शिफ्ट करेंगे। सो 57 यहाँ पर 12 रुपये में ट्रेड हो रहा है, 53 से 73। सो यहाँ पर भी नियर अबाउट 18 पॉइंट्स में देने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, तो हम यहाँ तक शिफ्ट हो जाते हैं। सो 43,700 का कॉल हम बाय कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखिए, सो यहाँ पर 20 पॉइंट्स तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हमें क्या है, हमारे लॉस को रिड्यूस करना है, तो हम एक स्ट्राइक तो इनसाइड आना ही है डे एंड पे। सो चलिए हम उसको कर लेते हैं, यहाँ से हम दोनों जो कॉल एंड पुट है उसको एग्जिट कर लेते हैं। सो अभी हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से है, जो अभी हमारा मैक्सिमम रिस्क अपसाइड में है नियर अबाउट 1,200 रुपये का एंड डाउन साइड का रिस्क है हमारा 3,700 का। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं। सो नेक्स्ट डे मार्केट उसी रेंज में ओपन हुआ है फ्लैट, देखते हैं मार्केट 42,950 को ब्रेच करता है नहीं करता, मार्केट रिवर्स हो गया है। सो अभी तक हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है और डे एंड पे फिर देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसके बीच में हम देख लेंगे। 1,000 रुपीज़ के आसपास का आपको प्रॉफिट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो चलते हैं और हाफ एन आवर से आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड डे यहाँ पर। सो 322 मंडे को देखिए। सो मंडे को अभी हम क्या करेंगे, फिर से हमारा मार्केट हमारे सेंटर में है तो हम एक एक पॉइंट इनसाइड शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि क्या है, हमारा लॉस है वो कम होता जाए। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम 42,800 के पुट से शिफ्ट होके 42,900 के पुट पे आ जाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देख लेते हैं 43,700 से यहाँ पर भी हम 100 पॉइंट इनसाइड आ जाते हैं। चलिए दोनों साइड हमने बाय कर लिया है और यहाँ से हम दोनों से एग्जिट हो जाते हैं कॉल एंड पुट से। तो अभी हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से है, अपसाइड हमारा रिस्क फ्री हो चुका है, डाउन साइड में हमारा जो रिस्क है वो मैक्सिमम रिस्क है 2,300 का।
सो चलिए अभी हम कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट के हम सेंटर में खड़े हैं। अगर किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा सेलिंग कर लेंगे। सो चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है, देखते हैं हमारा लोअर ब्रेक इवन ब्रिज करता है या नहीं। लोअर ब्रेक इवन हमारा है 42,993, सो नियर अबाउट 43,000 हमारा लोअर ब्रेक इवन है। सो मार्केट अगर हमारा लोअर ब्रेक इवन को ब्रिज करता है तो हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे या तो फिर डे एंड पे एडजस्टमेंट देखेंगे। चलिए अभी तक तो हमारे लेवल से ऊपर ही है मार्केट, और हमारा प्रॉफिट है वो नियर अबाउट 1200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए 320 के करीब देखिए, हमें 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा है और मार्केट अभी हमारा 43,150 पे है। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से 100 100 पॉइंट हमारे हैज को अंदर ले लेंगे। 42,900 से 43,000 के पुट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो 43,600 पे था वहाँ से हम 43,500 पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा लॉस है वो रिड्यूस होता जाए। चलिए देख लेते हैं अभी। देखिए अपसाइड हमारा रिस्क फ्री हो चुका है, डाउन साइड में हमारा मैक्सिमम रिस्क है 1200 रुपये का, ठीक है। और अभी हमारा लोअर ब्रेक इवन है 43,500 का। अगर दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम अपसाइड में एक्स्ट्रा सेलिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है थोड़ा सा 50 पॉइंट, तो हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मार्केट क्योंकि हमारा अप डाउन साइड का रिस्क कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, 1100 रुपये का है, इसलिए हमने कोई एक्स्ट्रा सेलिंग अभी अवॉइड की है क्योंकि वैसे भी प्रीमियम काफ़ी कम मिल रहा है। उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलिंग को हम अवॉइड कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मार्केट हमारे लेवल को ब्रीच कर गया है, 43,050 का हमारा लोअर ब्रेक इवन था और मार्केट आ चुका है 43,015 पे। अब हमारा लोअर ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपसाइड में जाके एक्स्ट्रा सेलिंग करेंगे क्योंकि हमें हमारे लोअर साइड का जो पुट साइड का जो लॉस है उसको हमें बचाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो बाय है वो है 43,500 पर। हम वहाँ से 200 पॉइंट आउटसाइड जाते हैं और 24-25 रुपीज़ का जो हमें प्रीमियम मिल रहा है, इस प्रीमियम के हम 2 लॉट सेल कर देते हैं, ठीक है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है इसका डबल, मतलब 50 रुपये के आसपास जब ये प्राइस पहुंच जाएगी तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। या तो फिर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, या तो फिर मार्केट जब हमारी सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा 43,300 पर तब हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। अब आप देखिए अपसाइड डाउन साइड में आपका मार्केट कहीं भी जाएगा तो आपको कोई लॉस नहीं है। चलिए देखते हैं कि 43,100 पर आ चुका है मार्केट, 125 देख लेते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा सेलिंग की वैल्यू क्या बची है। अभी भी वो 24 रुपीज़ पे ही है तो कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वेंसडे आ चुका है तो थीटा डीके भी काफ़ी फास्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अभी 1400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1450 1500 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है और 325 के आसपास देखिए मार्केट है 43,100 पे, तो हमें कोई एक्स्ट्रा सेलिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 24 रुपये पे सेल किया था, वो 18 रुपये पे है, तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट डे चलते हैं फिर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट एग्जिट हमारे सेंटर पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेलिंग से एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि मार्केट 43,300 पे आ चुका है, तो यहाँ से हम एग्जिट हो गए। और आप ऑलरेडी देखिए कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट था 2500 का वो यहाँ पर अचीव हो गया है, 3300 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। अभी मैं डे एंड पे लेके चलता हूँ, देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर एक्सपायर होता है। 3500 का प्रॉफिट अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप ट्रेड को अभी भी क्लोज कर सकते हो। 3700 4000 का भी प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। लो विक्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े तो भी आपको काफ़ी वाइड जाके एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम है, एक्स्ट्रा सेलिंग कभी कभी आपको दिक्कत दे सकती है। यहाँ पर देखिए 325 के करीब हमारा ट्रेड क्लोज हो रहा है, मार्केट क्लोज हो रहा है 43,600 पर और आपको 2100 रुपये मिनिमम जो आपका प्रॉफिट था यहाँ पर वो आपको मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयरन फ्लैग को कैसे एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑप्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।
वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।